प्रोवाइड फ्री VPNs ऑन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो या विंडो कोई भी हो, उसमें आपको अगर फ्री VPN यूज़ करना है वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो आपको इस तरीके पे अमल करना है। चलिए सीखते हैं किस तरह से ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर और इस पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा। क्रोम वेब स्टोर को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने, और यहाँ पे एक्सटेंशन पे आपने आ जाना है। एक्सटेंशन पे आपके सर्च करना है सेटअप फ्री VPN लाइफ टाइम, और यहाँ पे चौथे नंबर पे सेटअप VPN लाइफ टाइम फ्री VPN जो आपने इस पे क्लिक करना है और इसको आपके जो क्रोम है उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद आपके क्रोम में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने ये इंस्टॉल हो के कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने ऐड एक्सटेंशन कर देना है। ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ये आपके VPN जो है वो आपके ब्राउज़र में ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये अभी चेकिंग कर रहा है और थोड़ी देर के बाद ये ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपने किस तरह से इसको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करके लाइफ टाइम के लिए किस तरह आप इसको फ्री यूज़ कर सकेंगे। विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो या कोई भी विंडो हो, वहाँ पर आप बिल्कुल ईजीली इस तरीके का यूज़ करते हुए VPN को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने एक अलहदा पेज ओपन हो जाएगा। इसका ऐड होने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे आ जाना है वापस, जहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन पे आना है और यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि सेटअप लाइफ टाइम VPN, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और इसका सेटअप कर लेना है। इसको सबसे पहले आप इंग्लिश में कर लें, इसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है नहीं तो हम इसका लाइफ टाइम यूज़ करेंगे वो भी फ्री में, तो हम इसको फ्री यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको IP चेक कराते हैं कि इस टाइम हमारी IP क्या है। तो आप देख सकते हैं 175.107.2686 जो भी है ये आपके सामने। अभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी IP चेंज हुई है, क्या वाकई में ये काम कर रहा है या VPN या नहीं। तो क्रिएट एन अकाउंट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट यहाँ पर है। इन तीनों चेक्स पर आपने क्लिक करना है और रजिस्टर पे बटन पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने आ गई, ये कोड आपने कॉपी कर लेना है, कहीं भी रख लेना है। अगर आप दोबारा यूज़ करेंगे तो ये कोड आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आप कर देंगे लेट्स स्टार्ट पे। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने आ गया कि आप किस कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंट्री को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया को करना है या किसी भी कंट्री को, तो हम उसको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कंट्री यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम नेदरलैंड को यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या हमारा कंट्री का IP चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, IP लॉकअप। अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमारा IP एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हम सर्च करते हैं माई IP गूगल में। ये जर्मनी की इंग्लिश लग चुकी है, जो हमने नेदरलैंड या कोई उसका यूज़ किया था तो उनकी लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको नीचे एक्सेप्ट कर लें, आई एग्री किया। तो अभी मेरा IP एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, इस पर क्लिक करते हैं और अभी भी आपके सामने जो IP एड्रेस चेंज हुआ होगा वो आपके सामने शो हो गया। आप देख सकते हैं 1902.1442, पहले वाला था 175 और ये अभी देख सकते हैं 1902.2.1.4। मतलब हमारा VPN का यूज़ हो रहा है और काम हो रहा है। इस तरह आप लाइफ टाइम इसको बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं और किसी भी विंडोज़ पर आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहे।